नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। कोसली से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे रामपाल अपने पैतृक गांव मेघोदहाला में पहुंचे। नांगल चौधरी के गांव मेघोदहाला की चौपाल में पहुंचने पर ग्रामीणों ने मान सम्मान की पगड़ी पहनकर जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने कहा कि आने वाले विधानसभा क्षेत्र में आप जोरदार तैयारी करें, हम आपके साथ हैं और हमारे जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपको तैयार मिलेंगे। अगर धन की जरूरत पड़ी तो हम धन से भी आपका साथ देंगे। गांव मेघोदहाला की चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए रामपाल यादव ने कहा कि मेरे पैतृक गांव में पहुंचने पर मान सम्मान की जो पगड़ी पहनकर स्वागत किया है उसको मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। इस गांव के ग्रामीणों को मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आधी रात को भी तैयार मिलूंगा। रेवाड़ी और कोसली में कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा आपको तैयार मिलूंगा। रामपाल यादव ने कहा, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को स्थायी करने व वेतन बढ़ाने तथा नौकरी सुरक्षित करने का बड़ा कार्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। प्रदेश के 48,00,000 परिवारों को ₹500 में सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने तथा प्रति एकड़ 2,000 किसानों के खातों में डाला जाना किसान हितकारी फैसला किया है। प्रदेश के 80,00,000 एकड़ की एवज में 1,600 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले जाएंगे। पोर्टल पर अप्लाई करने पर प्रति एकड़ किसान को ₹2,000 मुआवजा मिलेगा। इस बात की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। पिछले 10 वर्षों में खाद बिजली के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हरियाणा के 26,00,000 लोग हैप्पी कार्ड 1,000 किलोमीटर में शुल्क यात्रा कर सकेंगे। यहाँ से मेरे विचार से मेरे से ज्यादा इतिहास आप जानते हो, हमारी आखिरी नौवीं टूटी है। पांच भाई यहाँ से चले थे और मैं के अंदर उन्होंने अपना खेड़ा बसाया और वो इतने कोई भी लगा थे कबड्डी के बहुत सर, आप कौन सी विधानसभा से आपके बार बीजेपी की तैयारी कर रहे हैं? मैं कौशल विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ जो कि रेवाड़ी जिले के अंदर आती है। और आज जो मेरा सौभाग्य है, मैं अपने पुरखों की जमीन पर जो मेघोदहाला है उसके अंदर आया हूँ और यहाँ से हमारे पुरखों का निकास हुआ था 8-9 पीढ़ी हो। और आज जो मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है मेरे बुज़ुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, जो मुझे भरोसा और विश्वास दिलाया है गांव की इस पवित्र भूमि, अगर वही तन मन धन से पूरा गांव आपके साथ है और मैं उसका आपके इसके चैनल के माध्यम से भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है और निश्चित तौर से हमारे इस इलाके के दक्षिणी हरियाणा अहिरवाल के हमारे बहुत ही दिग्गज नेता आदरणीय श्री इंद्रजीत जी जो है बहुत ही वो है, और उनके आशीर्वाद से 2014-19 में जिन्होंने आशीर्वाद उन्होंने दिया और उसको हमने स्वीकार करते हुए जो भी उम्मीदवार राव साहब ने उतारे, हमारा प्रयास रहा कि उसको जो है वहाँ से सफलता मिले। निश्चित तौर से 2014-19 में जो राव साहब ने आशीर्वाद दिया वो वहाँ सफल भी हुए। लेकिन इस बार मेरा पार्टी हाईकमान से है कि अपने उन कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखे जो लगातार पिछले 43-44 साल से राजनीति क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं। जो झंडा ठाने वाले भी हम थे, सरों में दरी बिछाने वाले भी हम थे, लगातार संगठन में काम किया है। तो निश्चित तौर से कोशली विधानसभा की हर जनता की आवाज़ है कि इस बार जो है रामपाल यादव को टिकट मिले। सर, जिस प्रकार से आज आप अपने पैतृक गांव में आए हो, ग्रामीणों से मिले हो, बुजुर्गों से मिले हो, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको?
देखिए, मैं तो आज मेरे जीवन का सबसे सुखद आज क्षण है। मेरे जहाँ से पुरखे निकले, बुजुर्ग निकले, उस गांव की पवित्र भू और धरा भू पर मैं आया हूँ। ये मेरे किसी तीर्थ से कम नहीं, लेकिन सभी ने जो मुझे प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है और जो भरोसा और विश्वास जताया है, अगर कम मंदन से वो मेरे साथ हैं, निश्चित तौर से मुझे उसका है जी, निश्चित तौर से। रामपाल यादव, हम आपके साथ हैं। रामपाल यादव, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। है जी, तो बड़ा मुझे जो है फख्र महसूस हो रहा है कि आज जो है हमारे सब यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं, और इन्होंने भी एक जो है पार्टी हाईकमान से और पार्टी से ये संदेश देने की कोशिश करिए। अगर भी भारतीय जनता पार्टी की कौशल विधानसभा से जो है सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं तो रामपाल यादव हैं, और सब की सब तन्मन धन से ये साथ रहे। है जी, मेरा नाम वीर सिंह यादव। आज आपके गांव में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से रामपाल यादव जी आए, क्या कार्यक्रम था आज का? कार्यक्रम ये था जी कि वो हमारे गांव से ही निकले हुए हैं पूर्वज उनके, और वो अपने गांव की जड़ों से जुड़ते हुए यहाँ हमारे हमसे पूरे गांव से बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि कौशली से उनको मौका मिले इस विधानसभा चुनाव में, और एक अच्छे आदमी को यदि विधायक बनाएंगे तो न केवल कौशली की जनता, वो हमारे जैसे लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, और एक अच्छे आदमी को विधायक बना करके हम सब खुशहाल होंगे। आप लोगों के बीच में रामपाल यादव जी आए हैं, क्या आश्वासन दिया आप लोगों ने? हम सब पूरे गांव ने उनको तन मन धन से समर्थन देने का आश्वासन दिया है कि जब भी वो चुनाव लड़ेंगे, न केवल हम रिश्तेदारियों में जाकर के उनका समर्थन करेंगे, बल्कि यहाँ से धन इकट्ठा करके और उनको चंदे के रूप में भी हम कोशिश करेंगे देने की, और हम पूरा समर्थन उनको जी जान से करेंगे, पूरा गांव समर्थन करेगा।